बहुत हाइक रहती है। पहली तो हाइक करने की रही, वो बैक साइड पे चला गया था मैं पहाड़ी पे, मुझे फिर नीचे उतरना पड़ा, दोबारा हाइक करूँगा। सो दैट्स माई टारगेट। इन लोगों ने तो बीच बनाई हुई है भाई, ये नहीं आप लोगों को दिखाना, आप ये नहीं दिखाना। मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए हाइकिंग की, पता चला जी कि फिजिकली हेल्थ के भी लगे हुए हैं। फिर एक इस टर्न की वजह से मुझे इधर जाना था और मैं इधर चला गया। लेवल वन इज डन, यस। और जब से मैं नॉर्वे में आया हूँ और मैंने तब से एक हाइक भी नहीं की, और ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि अगर पता नॉर्वे में आया है और हाइक पर ना जाए। तो शुरुआत करते हैं एक अंग्रेज़ी नाश्ते के साथ, निब बॉयल हो रहे हैं और साथ कोई ब्रेड स्टेड लेंगे तो खाते हैं और फिर हाइक के लिए निकलते हैं, पैकिंग शैकिंग करते हैं। और मैंने रात को बनाई थी बिरयानी, तो बिरयानी की शक्ल दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ी सी नमक ज़्यादा डल गया था इसके अंदर, लेकिन अच्छा बन गई थी। तो ये साथ करेंगे पैक। कैरी शैरी हो गई है, अभी बैग शेक पैक कर लिया है, इसमें जैकेट रख ली है अगर वहाँ पे सर ठंडी हवा चल रही हो, ट्राईपॉड रख लिया है, कुछ केबल्स वगैरह हैं। तो फाइनली जो शूज़ मैंने लिए थे नॉर्वे में आके कि भाई जान हाइकिंग बड़ी करनी है, तो तकरीबन कोई 6-7 महीने बाद उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके मकसद के लिए। अभी सीन ये हुआ है कि जी जो पहली बस थी जो पीछे खड़ी है, इसने कर दिया लेट, और आगे एक बस जानी थी जो वो चली गई है, और अब जो नेक्स्ट बस है वो तकरीबन 3 घंटे बाद है। तो अभी कुछ देखता हूँ, या मुझे स्कूटर लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक। तो माई चला रही थी बस, उसका जो बस चलाने के अलावा हर चीज़ पे ध्यान था उसका। ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल्स खड़ी हुई हैं, अभी ये पकड़ते हैं यहाँ से, इसको अनलॉक करते हैं, ये इलेक्ट्रिक है। तो अब अगला सफ़र हमारा इस साइकिल पर है। मैंने ये बाइक अनलॉक कर ली है, तो सफ़र शुरू करते हैं इसके ऊपर अपना। तो जी बैठते हैं, अभी बस मिस होने के बाद अपनी साइकिल पर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पैडलिंग तो करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, तो बाइक से पहले ही अपनी जो एनर्जी है वो इधर भी यूटिलाइज हो जानी है। तो साथ साथ सारा समंदर का रास्ता है। फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले आओ वहाँ वहाँ। जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं आप ये रास्ता एंजॉय करें। सामने पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं, उधर हमने हाइक कर दिया। अभी हम बाइक यहाँ पर वापस कर रहे हैं और हमारी हाइक या उस उधर है या उस पहाड़ी पर है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा मैप से। तो अभी बाइक करते हैं पार्क और उसके बाद चलते हैं अपनी हाइक की तरफ। अभी जो साइकिल वाले मामलात हैं वो ख़त्म हो गए हैं, अब आगे यहाँ से पैदल रास्ता है। तो अभी ट्रैकिंग चल रही है, तो मुझे लगता है हाइकिंग बहुत ज़्यादा स्टीप होने वाली है, क्योंकि गूगल मैप बता रहा है कि दो पहाड़ियों के दरमियान से रास्ता जाता है, तो अक्सर गूगल ने मुझे मरवाया ही है। तो लेट्स सी आज गूगल मेरे साथ क्या करता है। फिर कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ चढ़ियाँ पार्क कर रहे हैं और नीचे कुछ पिकनिक पॉइंट है, तो इससे रास्ता है हाना दाल स्नूतन, ये सारा यहाँ का मैप है। और नीचे वहाँ पर जो बच्चे हैं, इन लोगों ने तो बीच बनाई हुई है भाई, ये नहीं आप लोगों को दिखाना, आप ये नहीं दिखाना। ये बीच हमारे अजाइम को ख़राब नहीं कर सकती। तो अब भी हम अपने मंजर मकसूद की तरफ जा रहे हैं। तो गूगल कह रहा था भाई कि यहाँ से कहीं रास्ता है,
अरे भाई यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है न्यूयॉर्क से जा रही। अभी गूगल के मुताबिक ये वैन के पीछे थोड़ा सा रास्ता जाता है और ये सारा जंगल है अंदर। तो आपका भाई अकेला है तो अल्लाह खैर ही करे। ये एक रास्ता जा रहा है ऊपर पहाड़ियों की तरफ, क्योंकि छोटे छोटे निशान लगे हुए रेड, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ट्रैक बनाया हुआ है, इस ट्रैक पर मैं अकेला ही जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। कोई मेरे साथ भी नहीं है आज। तो ये सारा जंगल पानी वाला सीन है। तो ये इस तरह रेड निशान लगाए हुए इन लोगों ने। यहाँ से जो डाल्स न्यूटन है वो 2.3 किलोमीटर है। ये सारा जंगल का रास्ता है और अभी हम अपनी जर्नी जो एक्चुअल हाइकिंग है वो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। अभी सीन ये है कि रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने ना लाहौर जाके निकल आना है। तो वो सही कहता था ना, कहता मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए हाइकिंग की। तो पता चला जी कि फिजिकली हेल्थ के भी लगे हुए हैं। और दरमियान दरमियान में मेरे दिमाग में आता है कि यार अकेले नहीं आना चाहिए था मुझे। तो खुदा ना खासा चोट वगैरह लग जाती है तो वो मसला बनेगा। वैसे तो इधर नॉर्वे के अंदर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वो मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही इशू के खुदा ना खासा अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो वो मसला बनेगा। बहुत ऊपर जाना है अभी। जिनका इस तरह पता चलता है कि पत्थर के ऊपर ना इस तरह निशान लगे होते हैं तो आइडिया हो जाता है कि यार के ना इस डायरेक्शन को जाना है। अभी वो सी आपको नज़र आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा हाइक कर ली है अभी, और अभी बहुत हाइक रहती है। अभी ये हाइक मोर देन 45 डिग्री से ज़्यादा इसकी क्लाइंबिंग है, इंक्लिनेशन है इसकी तकरीबन कोई 60 की होगी है। और ये मेरा हाई लेवल है और ये ऐसे है, और ये पीछे से सारा मैं हाइक करके आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है गलत रास्ते से आ गया हूँ मैं। ओह बहुत ज़्यादा भी हाइक। ओह मुझे उम्मीद है कि वहाँ जाके थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही है आगे आसमान की, कि ये वाली जो क्लाइंबिंग है ये ख़त्म हो जाएगी। शहर है जो स्तवंगर है वो नज़र आ रहा है। अभी और हाइक जारी है। विश मी बेस्ट ऑफ लक, इट वाज़न्ट इजी एट ऑल। आप मेरे पसीने से हिसाब लगा सकते हैं, और अभी काफ़ी सफ़र पड़ा है। तो अभी जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो कंप्लीट होने वाला है, और मुझे इसी की बहुत खुशी है। मैं आपको भी ऊपर से पहुंच कर दिखाता हूं कि हम किस लेवल पर पहुंच गए। ओह थैंक्स गॉड, ओह या लेवल 1 इज डन, यस। अभी जो ज़्यादा स्टीप रास्ता था वो मेरे ख्याल से कवर मैंने कर लिया है, और ये एक पहाड़ी है, एक सुमित है, इधर नहीं जाना, वो इसकी बैक साइड पर एक पहाड़ी है बहुत बड़ी, हमने वहाँ जाना है। तो अभी हमारा तकरीबन आधा रास्ता हुआ है मेरे ख्याल से। मैं उम्मीद करता हूँ आगे इतनी ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं होगी जितनी पहले थी। तो आई डोंट नो आपको यहाँ से नज़र आएगा कि नहीं, वो पूरा शहर यहाँ से नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरा वो उस तरह नहीं देख रहा जिस तरह इंसान की आँख देख सकती है। तो अभी आगे वाला सफ़र आगाज़ करते हैं। सिर्फ एक इस टर्न की वजह से मुझे इधर जाना था और मैं इधर चला गया। मैं पूरी वो पहाड़ी के ऊपर तक गया हूँ, ठीक है। मुझे जाना था इस साइड पर, मुझे
जो मेरी डेस्टिनेशन थी वो इस साइड पर थी। सिर्फ एक गलत स्टेप लेने की वजह से मैंने हाइक की है, बस हो गई है मेरी, वो भी पहाड़ी की उतनी ही हाइट थी जितनी हाइट पर मैंने इधर जाना था। तो अभी मैं हंसू जा रहा हूँ इस बात पे, इतना वो इतनी डिफ़िकल्ट हाइक थी ये। अब वापस आया हूँ, अभी सोच रहा हूँ कि मैं इस साइड पर अब जाऊँ कि ना जाऊँ, एनर्जी है कि नहीं है। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर यहाँ जाना पड़ेगा आगे। मैं गलत ट्रैक चूज़ करने की वजह से ये जो पहाड़ी है इसके बिल्कुल पीछे ना मैं वो सबमिट करने चला गया था, उसके ऊपर से अब मैं होकर वापस नीचे आया हूँ। तो अभी दोबारा हिम्मत देखता हूँ कि सही ट्रैक पर जो सही पहाड़ी है वो उस साइड पर है। अब इस जगह से मुझे जो सही ट्रैकिंग वाला रूट नहीं मिला था, तो अभी यहाँ से एक बस गुजरनी है, वो बस पकड़ता हूँ। तो एक आगे एक स्टॉप है, तो वहाँ से जो सही ट्रैकिंग वाला जो पॉइंट है वहाँ से शुरू होता है। ये तो मैंने ऐसे रिस्क लिया था कि दरमियान से शायद कोई शॉर्टकट निकला है, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। वो एक हाइक तो होगी, अच्छी होगी वो, लेकिन जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे नहीं। तो अभी तक उसका असर भी है, थकावट भी हुई है थोड़ी सी, लेकिन अगर आज बाहर निकले हैं तो काम पूरा करके वापस आएंगे। जगह पर अभी हमें बस उतार के गई है और हमने वहाँ हाइक करनी है। अब ये सेकंड हाइक है मेरी। सो पहली तो हाइक करना ही रही, वो बैक साइड पे चला गया था मैं पहाड़ी पे, मुझे फिर नीचे उतरना पड़ा, दोबारा हाइक करूँगा। सो दैट्स माई टारगेट। तो फाइनली हम अब सही रूट पर जा रहे हैं, क्योंकि पीछे वो आपको सिटी भी नज़र आ रहा है सारा बोलकर। और अभी हम हाइक करेंगे, हमारी साइड पर है वो माउंटेन। पहले क्या हुआ कि वो आपको समंदर नज़र आ रहा है ना, तो वहाँ से नीचे से रोड जाता है, तो वहाँ से मैंने हाइक शुरू की। वहाँ से मुझे दरमियान से ना गूगल मैप पे खसा दे रहा था, तो मैंने वो जो पहाड़ी ना सामने उसके टॉप तक आ गया था मैं, ठीक है। अब वहाँ से ये रास्ता लेना था, ये जो लोग आ रहे हैं शायद आपको नज़र आओ, यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, तो ये रास्ता लेना था पहले। तो क्या हुआ कि जैसे मैं पहाड़ी पे मैंने उस पर हाइक की, तो मुझे आगे रास्ता नहीं मिला, तो मुझे लगा मैं गलत आ गया हूँ। मैं फिर वो पहाड़ी से नीचे उतरा हूँ, फिर बस पकड़ी है कि इधर पहाड़ी की बैक साइड पर एक स्टॉप है, उस स्टॉप पे गया हूँ। और अभी दोबारा सारा इधर से हाइक करके अब दोबारा इस पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ। सो आज का दिन ऐसा गुजरा है, लेकिन हार नहीं मानी, फर्स्ट टाइम हाइक कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा। लास्ट टाइम मैंने हाइक की थी तो वो पाकिस्तान में की थी, और उसमें बुरा हाल हो गया था मेरा, और मैं खुद से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा हाइक कर लूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रह गया। और ये फाइनली हम पहुँचने लगे हैं टॉप पर। सी कितनी ज़्यादा हाइकिंग की है। यस वी डिड इट। अब ये फाइनल है, और ये थोड़ा सा क्लाइंबिंग वाला सीन आ गया हाइकिंग से लैदा, तो यहाँ पर अब क्लाइंब करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और एक बात में मैंने कैमरा रखा हुआ है, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। चलो सीना पढ़ के और ये हम आगे टॉप पर। यस ये आ गया टॉप, और यहाँ से जो भी बात है पूरे शहर का हाइकिंग हो गई है कंप्लीट, और अब आप यहाँ के नज़ारे देखें। पानी वाली बोतल तो हो गई है ख़त्म, तो ये मैं बिरयानी साथ लेकर आया था, अब यहाँ पर बैठकर खाते हैं बिरयानी, और थोड़ी देर यहाँ पर बैठता हूँ, रूहानी सुकून हासिल करने की कोशिश करता हूँ। अभी करते हैं ब्लॉग को ख़त्म, क्योंकि अभी मैं फिर नीचे जाने लगा हूँ, और क्योंकि बस मुझे कैच करनी है,
बस कैच करूँगा, वो बस वहाँ पर मिलेगी, यहाँ से होते 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 वहाँ पर सन्नस आता है, ठीक है, वहाँ से फिर बस चेंज करूँगा। तो आते 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 वहाँ पर मेरा घर है, तो मैंने वहाँ जाने को, अगर कोई पोर्ट होती तो डायरेक्ट भी जा सकता था यहाँ से, लेकिन मुझे बाई बस जाना पड़ेगा, तो वहाँ से बस पकड़ूँगा मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जिसको अच्छा लगा है सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच।